बरार में गौशाला की बाउंड्री तोड़ने से नाराज महंत ने अनुजल त्याग कर अपने आप को किया कमरे में बंद। पौरी विधायक कैलाश कुशवाहा और नगरवासी महंत को मनाने में छुट्टी। शिवपुरी जिले के बरार में सोमवार को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर शनि मंदिर के पास स्थित गौशाला की बाउंड्री वाल तोड़ डाली। प्रशासन की इस कार्रवाई से नाराज गोल पहाड़िया वाले मंदिर के महंत ने अनुजल त्याग कर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। महंत द्वारा अनुजल त्यागने और कमरे में बंद होने की सूचना जैसे ही नगरवासियों को मिली, नगरवासी महंत को मनाने गोल पहाड़िया मंदिर पहुंचे, लेकिन महंत किसी भी बात को को तैयार नहीं हुए। सूचना पर पौरी विधायक कैलाश कुशवाहा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए महंत को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। देखिए क्या है पूरा मामला। बरार से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मंडा। अच्छा, तुझे क्या महाराज जी बंधु है, क्या मामला आप आए हुए? गौशाला तोड़ने से। अच्छा, गौशाला की जो जमीन बाउंड्री थी वो तोड़ दी है? तोड़ दी। तो अब क्या चाह रहे हैं? सूचना के तोड़िए और व्यक्तिगत तो उनकी जो निजी बनी है उनसे हाथ नहीं लगाओ। जो निजी लोगों की है उससे? हाँ, निजी। और ये जो क्या है सार्वजनिक के काम की है और गौशाला का बहुत हाथ है और ये क्यों तोड़ी और या फिर सूचना करते। अब जो भंडारे के परचा मर्चा गुरु जी ने बांट चुके हैं, अब जो भंडारे के कहाँ करेंगे, क्या क्या होगा इसका भंडारा? इसलिए बाबा अलग है उसमें अंदर है। अच्छा, हमने बहुत तो आप लोगों ने पूछा कब तक निकलेंगे के महाराज जी के? नहीं निकल ले यार, मेरा निराकरण नहीं होगा जब तक मैं नहीं निकलूंगा इसमें। ठीक है, नहीं कल से बिल्कुल पानी चला तक भी बंद है। जी, जो अपने गोलपाड़ी वाले महाराज जी हैं वो कमरे में बंद हो गए, क्या कारण है, क्यों बंद हो गए? कारण ये है कि हमारी गौशाला की जगह है वो टूट गई, इसलिए महाराज जी अंदर हैं, कुछ जवाब देंगे, कुछ हो गया तो तहसीलदार जवाबदार है। नहीं तो ये बंद हैं तो ये किस तरीके का कदम है इस तरीके से बंद होना? नहीं अब तो नहीं निकलते, वे तो जे कह रहे हम तो हमारी तो मृत्यु हो या जगह तो कब तक बंद रहेंगे? जब तक ये रहेंगे, जब नहीं हाँ जब तक तहसीलदार आकर के माफी मांगे तो रहेंगे। तो गौशाला की जमीन ये कब से आपकी, मतलब आप वहाँ पे थे? ये हो गई 3-4 साल हो गई जब से। अच्छा, 4 साल से। 4 साल से भंडारा भी हो रहा है। आज जो महाराज जी गोलपाड़ी वाले महाराज जी हैं वो कमरे में बंद हो गए हैं, आप सब लोग भी यहाँ आए हो, क्या कारण है, क्यों बंद हो गए? महाराज जी ने बहुत मेहनत करके गोलपाड़ी अगस्थान बनाया, उसके बाद उनका मन हुआ तो उन्हें गौशाला बनाने की इच्छा थी, तो उन्होंने पास में शनिदेव का मंदिर बनवाया और गौशाला बनाने की इच्छा थी, गौशाला के लिए उन्होंने जगह रोकी, पेड़ पौधे भी बहुत लगाए हैं और महाराज जी ने वो बड़ी मेहनत से वो बाउंड्री खरीदी। तो कल अचानक तहसीलदार साहब आए और उन्होंने उस बाउंड्री को साफ कर दिया, इसलिए उनको भारी दुख हुआ और वो कल से इस कमरे में बंद हैं। उनका कहना है कि या तो सब तोड़ते तो सबको तोड़ते, मेरे लिए भेदभाव से क्यों हमारी बाउंड्री छोड़ी, गौशाला उसमें गौ भी खड़ी थी। तहसीलदार से उन्हें मना किया तो तहसीलदार साहब ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उन्हें कई नेता लोगों को, मंत्रियों को, अपने जो भी उनके संबंध थे उनके लिए फ़ोन लगाया, मेरे लिए भी लगाया था, तो मैं शिवरी था, मैंने कही महाराज मैं बात करता हूँ, मैंने फ़ोन भी लगाया तहसीलदार साहब को, उन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। इसलिए ये बंदे वे कह रहे हैं कि मेरी तो मृत्यु हो जाए, भंडारा हो जाए। अभी 23 नवंबर से कार्यक्रम भी था यहाँ, जो कि प्रति वर्ष आपको सबको मालूम है प्रति वर्ष होता है, उसका भी भंडारा वहीं होता था, यहाँ जगह कमी थी। ये पर्चा भी मतलब उनके छपे रखे हुए हैं, मैं आपको पर्चा भी बता दूँ, ये 23 नवंबर से और 3 दिसंबर को इसका भंडारा है। अच्छा, इस कारण उन्हें अगर तोड़ते तो नोटिस निकाल देते और ये कार्यक्रम होने के बाद महाराज जी कहना है कि मैं स्वतः ही बीघे में ठाक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यवधान हो गया बिना सूचना के उसको, कोई नोटिस नहीं था और आगे तोड़ तो जो अतिक्रमण में था, मतलब अब तो सरकार का कहना है अतिक्रमण में था, ये तो सही अतिक्रमण था, लेकिन अतिक्रमण और भी तो पास में नहीं सार्वजनिक के लिए अब सब लोग हमेशा की इच्छा है कि मतलब आप सब शामिल है, 20 गांव का जो कार्यक्रम होता है उसमें सब शामिल रहते हैं भंडारे में, बहुत अच्छी रामकथा चलती है यहाँ पर। तो महाराज जी की इच्छा क्या है, वो क्या चाहते हैं? महाराज जी ये कह रहे हैं कि मेरा तो भंडारा खोद दो, मैंने नहीं करे, हमने बहुत सवेरे से हम आए बहुत लोग, सब लोगों ने मतलब निवेदन किया, पैर छू गए हाथ जोड़ के, तो मैं आया फिर मैंने भी कही मैं नहीं निकल रहा, वो नहीं निकल रहे, मैंने फिर यहाँ से TI साहब को फोन लगाया, तहसीलदार साहब फोन उठा नहीं रहे, 10 कॉल कर दिए मैंने उठाए नहीं, फिर ये सभी लोग जनता बोली तो मैंने विधायक जी को, मैं तो माने विधायक जी को भी सूचना दे दी, 3 बार को लेकर भंडारा होगा। आज विधायक साहब यहाँ आए हैं गोलपाड़िया मंदिर पे, तो महाराज जी कमरे में जो है बंद हो गए, क्या मामला है, क्या कुछ उनको कोई आश्वासन मिला है क्या? कल अतिक्रमण में नेरगढ़ा के पास शनि महाराज का मंदिर बन रहा है, तो महाराज ने बैराड़ के जन सहयोग से
वहाँ बाउंड्री कराई थी गौशाला के लिए, तो प्रशासन ने बगैर खबर कर रहे उनकी बाउंड्री टूट दी है, इसलिए महाराज अनशन पर कमरे में बंद हो गए हैं। लेकिन हमने महाराज को आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा, पूरा बैराड आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, आप प्लीज़ पहले सबसे पहले बाहर निकलें और फिर बाउंड्री तो द्वारा बन जाएगी लेकिन आपका होना ज़रूरी है। तो महाराज जी तो अभी आए नहीं, क्या है? अब महाराज जी से निवेदन कर रहे हैं और प्रशासन को भी खबर कर रहे हैं हम। अच्छा। कि महाराज जल्दी जल्दी बाहर निकलें, नहीं तो फिर इसके बाद तोड़वा कर निकलवाएंगे, क्योंकि पहले तो, महाराज जरूरी है। तो, वो तो सब महाराज जी की क्या मांग है, क्या कहना चाह रहे? महाराज जी की मांग है कि मुझे वहाँ मंदिर पर गौशाला के लिए जगह मिले, बाउंड्री बनवाएं। मैंने प्रशासन से बात करी तो प्रशासन ने ये बोला है, तहसीलदार ने, कि आप समिति बनवा कर कलेक्टर साहब से परमिशन लें, फिर हमें कोई आपत्ति। तो ये बात तो सूचना के माध्यम से ही बता सकते थे, बिना सूचना के डायरेक्ट तोड़ना ये प्रशासन ने गलती की है। महाराज को भी या किसी को जन से को नहीं बताया। इसके अलावा मैंने ये देखा है कि उन्होंने महाराज की बाउंड्री क्यों तोड़ी, कई लोग भी तो अवैध खेती कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं, बैराड में कब्जा हो रहा है, उनको भी तोड़ें, मेरी यही मांग है। अच्छा, ये बंद करिए।